और नमस्ते दोस्तों, आज जितिया महापर्व है और मैं चलता हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट जा रहा हूँ, आगे सोच रहा हूँ कि स्कूटी लेके जाऊँ या अपाची या ये गाड़ी, लेकिन ये सब नहीं लेके जाऊँ चुके हैं ना, मौसम ख़राब है। चलो फोर व्हीलर लेकर के हम लोग निकल रहे हैं संडे बाज़ार केदरा में स्थित है। और मेरा बेटा भैया सिंगल डॉक्टर, और ये बैग मेरा थोड़ा मेडल आ गया सौरभ पटेल। तू लोग घर में अच्छा से रहेगा, ट्राई करेगा। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू संडे मार्केट फॉर परचेजिंग सम वेजिटेबल देयर। और देखिए मेरा स्मॉलेस्ट सुमित पटेल जो ड्राइवर। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं संडे मार्केट, और हम संडे मार्केट के लिए निकल चुके हैं। जो जितिया महापर्व है उसका कुछ सामान परचेजिंग करना है, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। जी, वी आर गोइंग टू शॉपिंग। यस यस, बट हियर लुकिंग वेरी स्मॉल बट ड्राइविंग वेरी परफेक्टली, नेवर मिस। ओके, और ये हम लोग इस तरह खुरदाग मोड़ पहुंच चुके हैं और खुरदाग मोड़ से टर्न लिए हैं, एंड बिकॉज ये बहुत ही विलेजर्स एरिया, रुक जा, बहुत लोकल एरिया है, क्योंकि यहाँ सब और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त, अभी हम लोग बोकारो में पुल को उस पार जाएंगे तो ये रामगढ़ जिला, हम लोग जो नदी बॉर्डर है और इसी के बगल में ये शिव मंदिर है, जो यहाँ मंडला पूजा पर्व लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और हम लोग रामगढ़ जिला क्रॉस कर गए हैं, और यह संडे मार्केट जो है रामगढ़ जिला में ही है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी 4-5 किलोमीटर दूरी है, हम लोग अभी बाजार जा रहे हैं। ठीक, और हम लोग एक चागड़ी बस्ती में क्रॉस कर रहे हैं। अगला 3 नंबर मोड़ हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहां से मात्र 1 किलोमीटर संडे मार्केट बची हुई है। आइए जरा मैं संडे मार्केट आपको दिखाता हूं, यहां की लोकेशन, यहां की बहुत जोरदार से यहां बिजनेस होती है। और ये गाइस, ये चारों तरफ यहां कपड़े लगे रहते हैं, यहाँ हर तरह के कपड़े मिलते हैं, सस्ता से महंगा लेकर के। अरे सुंदर से दो क्यूट आप देख सकते हैं, और इधर एक क्लोथ की थी, अब मैं वेजिटेबल की और आपको ले चलता हूँ। करें अरे बाजार बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हम लोग सब्जी मार्केट की और हम लोग घुसे हुए हैं। टोटल तरफ सब्जी ही है, पुराना दोस्त यार मिला, जो रिलेशन अब भी लगती है। और संडे बाजार में बहुत दुर्भाग्य से सौभाग्य से हम लोग मिले हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के, दिल से दिल मिले हैं ना, और ये हम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। और ऐसा कभी मत बोलिएगा, आपके दिल में हमेशा बसे हुए हैं, है ना। ठीक है, आइए चलते हैं, सब्जी परचेजिंग करना है ना। देखो तो 10-16 है ना सर। चलो एक्चुअली में बैग ले लिया, बैग एक्चुअली घर से आया था, सो था फटा हुआ था। बाजार में पहुंच चुके हैं, और आज का बाजार बहुत गर्म है। गर्म होने क्या कारण है नेताजी, बताइए। जितिया जो पर्व है जी, इस त्योहार में एकदम पूरा सब्जी का ही प्रसाद चढ़ता है। जी जी, और इस सब्जी में हायर दी प्राइस, मैंने लोअर दी, हायर दी डिमांड लोअर दी प्राइस, इकोनॉमी से काम करता है।
इसलिए आज बाजार गर्म है। आज झींगे तो 120 रुपए किलो बिक रहा है, वो भी मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है, हाँ। बहुत बड़े साग 120 रुपए किलो, मतलब क्या ये जितिया का मार है? इसलिए जितिया का मार है, और पानी इतना हुआ है कि जितना भी झींगे जो पौधा था सब जल गया है, यही मार है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यूट्यूब में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टमाटर कैसे है बाबू? ए बच्चा, टमाटर कैसे? अरे दो रेट बोलते, क्या बात है बच्चा, ठग रहे हो क्या? 50। चलिए दीजिए टमाटर दीजिए। और गाय जी, आज की मार्केट में पूरा गर्मा गर्म है, झींगे 120 रुपए किलो बिक रही है, बरे साग 120 रुपए किलो बिक रही है, और तमाम वेजिटेबल के आज बहुत ही हाई रेट है। रखो रखो, कितना का धनिया ले रहा हो? अरे टमाटर दे, लिए थोड़ा सा। और गाइस, आज सब्जी का काफी हाई रेट है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि स्मॉल में केला 120 रुपए किलो है, झींगी 120 रुपए किलो है, और खीरा 120 रुपए किलो है, और उसके बाद छोटी मोटी जो है करे साग भी 120 रुपए किलो है। तमाम चीज़ें देखा जाए तो आज बहुत ही हाई रेट है, और हाई रेट का कारण है कि जितिया महापर्व, ये तमाम लोग जितिया महापर्व में सब्जी का रेट काफ़ी हाई रेट है, और फिर भी हम लोग को परचेजिंग करना पड़ रहा है, चूँकि आज उस त्यौहार को हमको देखना है जितिया पर्व में। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? सब्जी का बहुत महंगाई है ना, हाँ। तो अभी क्या होना चाहिए, तो अभी क्या क्या खरीदे हैं इस महंगाई? अभी तो खरीदे हैं, केला खरीदे हैं जी, और कंदा खरीदे हैं, और ओल खरीदने के प्रयास में लगे हुए हैं। कैसे केला, कैसे किलो दिया? केला दिया 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, कंदा भी दिया 50 रुपए किलो। चलिए ठीक है, यही सब। तो गाइस, इस तरह देखा जाए जो 20 रुपए किलो मिलता है, आज है ना 50 रुपए, 50 वाला 100 रुपया, मतलब डबल रेट से बिक रही है, और बस यही कारण है कि जितिया महापर्व। चलिए बाजार में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि अब सब्जी की तरफ तो काफी भीड़ भड़ा कल आई, इधर सन्नाटा है, बोनी उनी हुई है कि नहीं आज? नहीं हुई ना। और गए जी 5 बजने को, अभी तक ये कपड़े दुकान में बोनी नहीं हुआ, कहा जा सकता है कि आज जितिया महापर्व में ज्यादा सब्जी की तरफ ध्यान है, कपड़े की तरफ ध्यान नहीं है। देखिए इधर पूरा खाली पड़ी हुई है, एक भी कस्टमर नहीं है, और हम चारों तरफ दिखा रहे हैं, और देखिए जबरन दिया जा रहा है कपड़ा, फिर भी नहीं ले रहा है, कस्टमर लोग है ना सब्जी की तरफ दौड़े जा रहे हैं। आप देखिए टोटल कपड़े दुकान में एक भी कस्टमर नहीं है, और बाजार तरफ उधर सब्जी तरफ खचाखच भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी सकलदेव ब्लॉग में आज का जितिया महापर्व में और यहाँ से मैं टोटल आपको कपड़े दुकान तरफ दिखाता हूँ, एकदम बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और गाइस मैं इधर भी दिखाना चाहता हूँ कि एक भी कस्टमर इधर नहीं है, सारे कस्टमर सब्जी की तरफ ही हैं। इस तरह से जो भी ट्रेडर्स यहाँ लोग हैं, लोग दूर दराज से आए हैं, बिल्कुल आया से किसी को बोहने तक नहीं हुआ है। और इतवार बाजार में बहुत लोग उम्मीद करके आते हैं, पैकेट गर्म करके जाते हैं, लेकिन आज बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है कि पहली बार कि ये सब सारे पूरा खाली पड़ी हुई है, और टोटल ट्रेडिंग परचेजिंग वेजिटेबल की ओर है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस तरह से जितने बिजनेसमैन लोग हैं, आज थोड़ा सा मेरी सैड फीलिंग कर रहे हैं। और गाय जी देखिए, ये हमारा सब्सक्राइबर ही छोटा सा बच्चा, ये बाजार में अकेले मस्ती कर रहा है, देखिए पकौड़ी की मजा ले रहा है, क्या बात है। और संडे बाजार में लुत्फ़ उठाते हुए छोटे से नन्हा बच्चा, और ये देख थोड़ा सा टेस्ट ले रहा है, गुपचुप का भी मजा ले रहा है मेरा सुमित पटेल, जो आप देख रहे हैं। ये संडे बाजार में गुपचुप, ये बहुत ही पुराना, हम लोग बचपन में रहते तो उस समय ये अंकल भी गुपचुप बेचा करते थे, और आज भी उसी रूप में इनको देखने को मिल रहा है। क्या बहुत छोटे छोटे हाल में, बहुत हम लोग छोटा थे उस समय भी गुपचुप बेचते थे, और आज गुपचुप से इनका घर परिवार सुखी संपन्न है, क्योंकि इसकी गुपचुप बहुत ही फेमस है इतवार बाजार में, सभी लोग आते हैं तो टेस्टी जरूर करते हैं इनकी गुपचुप को।
कैसा लग रहा है सर गुपचुप खाने में? मजा आ रहा है? अरे ऊपर देख रहे जी, मजा आ रहा है, इधर आइए, इधर आइए, मजा आ रहा है। हाँ ये है खुशी कुमार। अरे खुशी कुमारी है जो गुपचुप खा रही, मजा आ रहा है, खाएगी तब तो। मजा नहीं आ रहा है? और एक चोली में इसकी मुंह में गोलगप्पा भरी हुई है। नहीं नहीं नहीं। और गाइस जिस तरह आप देखिए इधर मटन चिकन की तरफ भी थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि त्योहार के लेकर उतने कस्टमर लोग आज नहीं इस पे रुचि ले रहे हैं। देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है इसमें, ये टोटल स्टॉल है ना चिकन और ये सब सारे में भरे हुए रहते हैं, लेकिन जानते हैं कि आज उतनी तरह से नहीं चल पाएगी, इसलिए करके सारा स्टॉल खाली है। देख रहे हैं ना ये सब चिकन का स्टॉल है। बहुत कम ध्यान दे रहे हैं इधर आज। जी जी जी, देखिए ट्रेडिशनल जो भी है ना दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट करते जाता है, चूंकि आज का पैकेट में लोग मनी नहीं है, फोन पे के माध्यम से। आज का बाजार कैसा है सर बताइए, बताइए। नहीं बना रहे आप ऐसे? अरे बनाए नहीं, मतलब बाजार आज कैसा है? इधर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। और गाइस जिस तरह आज का संडे बाजार, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद संडे बाजार की।